ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إلهي إك تمنا ہے इलाही एक तमन्ना है कि दुनिया में कोई काम कर जाऊं अगर तौफीक मिल जाए तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं मुख्तसर हमदो सना तो बाद दुरूद सलाम आका कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात पाक ते अल्लाह वालो आज दे इस खुतबा जुमातुल मुबारक दा अजीम शान उनवान जो कि मुआशरे दी बड़ी अहम जरूरत भी है और सीरत दा एक बड़ा अहम और बुनियादी पहलू है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसीयत मुबल्लग उन्होंने वेखिए ते आका पाक दा की किरदार है या आका पाक ने किस तरह कुरान पाक दी
और अपने फरामीन दी तबलीग दा फरीजा सर अंजाम दिता है। कोशिश करांगे कि असी बयान करिए हर खुतबा जुमा दे अंदर कि नबी मुकर्रम वेखो ना असी हर चीज सीखनी है आका पाक दे कोल। असी वेखना है कि आका पाक बहसीयत वालद की किरदार अदा करते हैं, आका पाक बहसीयत खावंद की किरदार अदा करते हैं, आका पाक बहसीयत उस्ताद की किरदार अदा करते हैं और आका पाक बहसीयत मुआशरे दे एक बड़े इंसान दा ना होन दे की किरदार अदा करते ने। लेकिन जड़ी सब तो अहम और बुनियादी चीज है ना कि आका पाक मुबल्लिग ने और ए तबलीग ए मुआमलात आका पाक ने किस हद तक इसनु मुकाम अता फरमाया। वैसे तो जो मैनू समझ आई कुरान पाक पढ़ के हदीस मुस्तफा पढ़ के कलमा पढ़ने वाला हर उम्मती ही मुबल्लग है, कलमा पढ़ने वाला हर उम्मती ही मुबल्लग है, उदे ते फर्द हो जाता है दीन नू तबलीग करना। जड़ा कलमा पढ़ लेंदा है उदी जिम्मेदारी बन जाती है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया और जिस मुआशरे चो तबलीग खत्म हो जाए ना तो वजो जेड़ा मुआशरा सिर्फ इस बात ते रह जाए कि मौलवी दा काम में तबलीग करना, मौलवी दा काम में मेरे बेटे नू दीन सिखाना, मौलवी दा काम में पूरे मुआशरे दी इसलाह करना, साड़ी जिम्मेदारी ये सिर्फ असी कारोबार करना है अपना कमाना है ते बस औलाद नू खिलाना है। उस मुआशरे दी तबाही दे अयाम शुरू हो जाते ने बल्कि गिनती दे रह जाते। आओ अल्लाह पाक दा कुरान पढ़िए। अल्लाह पाक ने फरमाया रब्बना वबास फीहिम رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم। अल्लाह पाक दा कुरान दर्जी। अल्लाह पाक ने मुस्तफा अली सलाम नू भेजिया, मबूस फरमाया दुनिया कायनात दे उते, फरमाया या तलू अलैहिम आयातिका, मेरा पैगाम लोगों नू कुरान पढ़ पढ़ के सुनाओ, लोगों के उपर आयात पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो, क्योंकि दुनिया के उत्ते ना सब तो मुअस्सर किताब ते कुरान पाक, दिलों बदलन वाली किताब ते कुरान पाक। ना एक लफज फरमाया वल हिकमा, हिकमत दे नाल तबलीग करो। हजरत जी हर जगह पे कुरान पाक अंदर और मुकामात भी अल्लाह पाक ने मुस्तफा अली सलाम नु तबलीग दा हुक्म फरमाया। जिथे अल्लाह पाक ने तबलीग दा हुक्म फरमाया नाल अल्लाह पाक ने हिकमत दा जिक्र जरूर किया है। मतलब वे तबलीग दे नाल हिकमत दा होना जरूरी है। अगर हिकमत नहीं ना ते बात अंदर वजू जड़ा वजन नहीं आएगा। अगर हिकमत नहीं ते मुबल्लग ही नहीं, मौका टाइम ना वेखे ते खतीब अदीब ते आलिम का दाए हिकमत दे नाल पैगाम पहुँचाना है। वायु जकीम इन
इन्नका अंतर अजीदुल हकीम। इन्हां नूं पाक करो ना, गुनाहां तो दूर करो। कुरान पाक सुना के तबलीग करके दूसरा मुकाम फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका। सोने पैगाम पहुंचा दियो, शरीयत दा पैगाम इन्हां तक पहुंचा दियो। मुबल्लिग बन जाओ, तबलीग करो अपनी उम्मत दियां लोगां नूं। एक और आया मुबारक ते हज़रत जी, ये तबलीग करना मुबल्लिग बन जाना वसफ उम्मत मुहम्मदिया दा। कुल तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। बेहतरीन उम्मत है उम्मत मुहम्मदिया। अल्लाह जी क्यों बेहतरीन है? फरमाया लोगा नू नेकी वल लांदीए ते गुनाहां तो रोक दीए। लोगा नू नेकी दी तबलीग करन वाले ने उम्मत मुहम्मदिया दे लोग। हर बंदा मुबल्लिग है उम्मत मुहम्मदिया दा। हज़रत जी नहीं है ते बार ना, आओ मुस्तफा अली सलाम ने एक हदीस पढ़ाओ। जरूरी नहीं के तू जाके सात साल दा आलम दा कोर्स करके आए ना फिर ही तू मुबल्लिग बन सकना है। जरूरी नहीं तेन कुरान पाक दा तर्जमा तफसीर पूरा अबूरा सलोए ते तू दीन बाल में दीन मुबल्लिग बन सकना। ना 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 वीरा, बल्लिगु अन्नी वलौ आया। एक आयत भी याद है ते मुबल्लिग बन जाओ। एक आयत और एक हदीस भी याद ना हो, कुरान पाक दे लफ्ज़ भी याद है। मुबल्लिग बन जाओ। मुआशरे के अंदर हर बंदा मुबल्लिग दा किरदार अदा करे। मैं तेरा इंज क्या करना हज़रत जी, अगर तू बाप है ते बेटे वास्ते मुबल्लिग बन जाओ। अगर तू बाप है ते बेटी वास्ते मुबल्लिग बन जाओ। अगर तू खावंद है ते बीवी वास्ते मुबल्लिग बन जाओ। अगर तू भाई है ते बहन वास्ते मुबल्लिग बन जाओ। अगर तू स्टाफ है ते शागिर्दां वास्ते मुबल्लिग बन जाओ। अगर तू दुकानदार है ते गाहकां वास्ते मुबल्लिग बन जा। क्योंकि ये बहुत बड़ा एजाज है, कितना बड़ा एजाज है जिहड़ा मुस्तफा दा वरास मुरस मुस्तफा दा वारस बन जाए। आका दे दीन दा मुबल्लिग बन जाए। आका दे दीन नूं अगे पहुंचाण वाला बन जाए। कुल तुम खैरा उम्मतिल उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। एक आयत भी आ जाए ते अगे पहुंचा दिया कर। लोगां नूं गुनाहां तों रोकिया कर। इत्थे ना एक बहुत बड़ी बात करांगा, जिस मुआशरे अंदर गुनाह आम हो जान, गुनाहां दी रोकथाम खत्म हो जाए, उस मुआशरे के अंदर नेकी दा उरूज मिट जांदा है, उस मुआशरे चो हदायत मुक जांदी है, उस मुआशरे चो रहमत बरकत अल्लाह पाक दी रहमत बरकत नूं उठा लिया जांदा है। वीर जी ओए नौजवान, मैं पैगाम दवांगा कि गुनाहां नूं रोकण वाला बन जाओ। आओ ना मुस्तफा अली सलाम दी हदीस पढ़ाओ। मन रा आ मिलकुम मुनकरन फलयुगैरुहु बियादिहि फइन लम يستطيع فبلسانه وإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان। فرمایا کائنات دے لوگو سب تو بہترین ایمان والا ہوئے جڑا گناہ ویکھدا ہے تے اپنے ہتھاں نال روکدا ہے۔ گناہ ویکھیا اپنے ہتھاں نال انہاں نوں جا کے منع کردا ہے۔ نا جی نا، اے گناہ دا کم ہے ساڈے ملک च ना करो। ये गुनाह का काम साडे शहर च ना करो। ये गुनाह का काम साडे मुहल्ले अंदर ना करो, साडे खमसान अंदर ना करो। ये काम करना है ते जाओ जाके काफरां दे उनां दे यहूदियां दे इलाके अंदर जाके करो। अपने हत्थां नाल रोक दाए। दुआ करो अल्लाह सानू अफजल ईमान वाला बना दे, वरना अफजल ईमान तो हुन रह ही नहीं गया ना।
लोग पता की कहिंदे ने, ओ जी छड्डो जिथे कोई लगा लगा रहन दो। अस्तगफिरुल्लाह। ओ जे जालिमा जे ए ही कानून हुंदा ते अल्लाह इन्हें अंबिया नू क्यों मबूस फरमाया, क्यों अल्लाह पाक ने फरमाया कि उम्मत मुहम्मदिया दा एजाज है गुनावां तो रोक देने नेकी दा हुक्म देंदे ने। एवें ही जिथे कोई लगा लगा रहे गुनावां दी बड़ी नहुसत होया करदी। वाकया नहीं जे सुनिया मूसा अली सलाम दे साथी नाल ने ते मूसा अली सलाम जदों कैद साली आई है बारिश वास्ते हाथ उठाए ने एक बार दुआ की है दुआ कबूल नहीं हो रही, दूसरी बार दुआ की है ते दुआ कबूल नहीं हो रही। की गल ने मूसा अली सलाम ने पूछया, फरमाया मूसा आप तेरी सफा दे अंदर एक गुनागार है जिदी वजह तो मैं दुआ कबूल नहीं कर रहा। एक गुनागार है मतलब गुनाहों की नहुसत सारियां दी सफा ते पै गई, गुनाहों की नहुसत पूरे मुखल्लिब ते पै गई। बेनमाजी मुखल्ले चोए ना ते कोशिश करिया कर उनु नमाजी बना या मुखल्ला बदल ले, तबलीग करिया कर मुबल्लक बन जा। बल्लिगु अन्नी वलौ आया एक एक आए बल्ला पाग दे दीन दे अगे पहुंचाओ। मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियादिही, सब तो बेहतरीन माने वे बंदा अपने हाथा नाल रोके बियादिही, जे हत्था नाल न रोकदा फिर अफा भी लेसानीगी। अपनी जुबान नल मना करन दी कोशिश करे यार, जुबान ते खलाया करना वीर जी गुनाह नहीं करीदा। ए भाई गाने बंद कर मुसलमान दा काम नहीं, भाई जान मुजरे बंद कर मुसलमान दा काम नहीं। जुबान ते खलाना अपनी वकालत ते करना अपनी तबलीग दा फरीजा ते सर अंजाम देना, जे जुबान नाल भी नहीं ना रोकदा। मुस्तफा अली सलाम ने फरमाया सब तो कमजोर ईमान है वे ओदे नाल दिलों प्यार न कर, दिलों नू बुरा जान दिलों नफरत कर, दिलों नू गिरा दे दिलों दे नाल दूर हो जा। लेकिन मैं अफसोस नाल कहांगा असी ना इन्हों तिना चो कोई काम भी करने वास्ते तैयार नहीं। अज तो बाद अजम लैके उठना है मुल पाने खुतबा जो मंदा, अज तो बाद कोई गुनाह करेगा मैं हाथ नाल रोकांगा, मैं जुबान नाल रोकांगा, मैं दिलों नू बुरा जानांगा, मैं अज तो बाद तबलीग दा फरीदा सर अंजाम देवांगा। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद आका पाक ने तबलीग दा आगाज कीता ते बगानी जगह तो नहीं, कितों कीता है अपने अपने घर तो तबलीग दा आगाज कीता। खानदान वालियां नू कठिया कीता, बनू हाशम वालियां नू कठिया कीता ते आका पाक ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु, ऐ कौम वालियो अल्लाह एक ते अल्लाह नू मन लो। इन कवन अब तो बात के चलावांगा, मैं सदके नबूवत दा एलान करके मुहम्मद ने पूंडा दी खखर खिलाई, यहूदी ईसाई ईरानी तो रानी बड़े सारे दुश्मन लहू दे प्यासे, पढ़ो मारो मारो दुहाई दुहाई, साडे मबूदा दा बेअदब जमिया लई फिर इको खुदा दी खुदाई। मेरे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किवें दीन दी तबलीग की है, आका पाक ने अपने नू दीन दी तबलीग की। जेड़ा भी मेरे आका पाक को मेहमान आया कोई वफद दी सूरत
अंदर आ जाओ। बस आका पाक नु इको ही चाह मैं तबलीक कर दिया इन करके ना हज़रत अबू दर गफारी रज़ी अल्लाह ताला नु पता चलिया मक्के दे अंदर किसे ने ऐलान तौहीद कर दिता है ऐलान नबूवत कर दिता है। ओ केंदा मेरे कोल अल्लाह पाक दी वही भी आउंदी है इन्हें ना अपने भाई अनीस नु भेजिया जा जा के इतला लैके आना ओदियां कुछ गल्लां नोट करके आ ओदे बारे को मालूमात लैके आ। अनीस आया नमक्के दे अंदर आका पाक दा उठना बैठना चलना फिरना वेखिया ते वापस जाके कहन लगा अबू ज़र गफारी नु अबू ज़र मैनू ते लगदा वाकई नबी है जितना हुसैन जितना आला है मैनू लगदा वाकई रब दा नबी है। आया ना दोबारा दरते अबू ज़र गफारी आ गए रात दे वक्त पहुंचे ते बाजार दे अंदर बैठ गए हजरत अली ने नाल लिया ते घर चले गए। दूसरा दिन होया ते लभदे रहे ना आका पाक ना मिल सके फिर इंज करके चुके इन दिनों के अंदर मेरे आका दारे अरकम के अंदर चुप चुप करके तबलीग करिया कर दे मेरे आका चुप चुप के ना इन करके दीन की तरवीज करिया कर दे सन। दूसरे दिन भी इन आका पाक ना मिले तीसरा दिन होया ते आका पादरत अली ने फिर ना लिया घर चले गए ते पुछिया यार किस काम वास्ते आए मैं ते आका पाक नू मिलन आया वा इत्थे कोई नबी आया मोहम मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ केंदा मेरे ते अल्लाह दी वही होंदी है इन करके ना हज़रत अली पाक ने कहा मेरे पीछे पीछे आ जा मैं तेनू मुहम्मद मुस्तफा को लेके जावा। ए अबू ज़र गफारी के आना जो जाके कलमा पवेकिया ते मुस्तफा को बैठा गल्ला सुनिया का पाक दिया चंद वही दिया बातां सुनिया ना मुतसर होके ते कलमा पढ़ बाहर निकलिया ते मक्के दे चौक अंदर कहन लगा है ओए मक्के वाले ओ सुन लो जेड़ा मुहम्मद है अज तो बाद मैं ओदा उम्मती बन गया वा ते इन्हें अलाल ऐलान कर दिता ते मक्के आलिया ने ना जालमा ने नू फड़ के अबू ज़र गफारी नू इतना मारिया के मार मार के बेहोश कर दिता। होश आया अबू ज़र गफारी फिर कह रहे आए ला इलाहा इल्लल्लाह इको ही अल्लाह है ये ते गल ना अबू ज़र गफारी दी ते अल्लाह पाक दा कुरान आया तबलीग दा अंदाज व अंदर अशीरा तकल अकरबी अपने करीबियां नू तबलीग करनी है तबलीग दा अंदाज की है आओ कुरान पाक पढ़ा दरा या अय्युहल्लज़ीना आमनु कु अल्फुसकुम व अहलीकुम नारा व कूदुहन नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदादुल्ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफअलूना मा युमरु पहले अपने आप नू जहन्नम दी अग तो बचा लो मतलब वे पहले अपने आप ते तबलीग कर पहले अपने आप नू साफ कर पहले अपने आप नू पाक कर पहले आप नमाजी बन जाओ पहले आप कुरान नाल प्यार करने वाला बन जाओ पहले आप किरदार दा अच्छा बन जाओ पहले आप गुफ्तार दा अच्छा बन जा। फिर फरमाया वा अहलीकुम वा अनजिरा शीरा तक अकरबील खुदा तवास्त तवजो मेरी तरफ बिल्कुल तवजो मेरी तरफ व अनजीरा शीरा पकल अकरबीन अपने करीबियां तो आगाज करना है दावत दा ते आका पाक ने दावत दा आगाज कीता फरमाया बनी काब इब्ने लुईल या बुनैया या बनी मर्रत बिल काब या बनी अब्द शम्स व या बनी अब्द मुनाफ व या बनी हाशिम व या बनी अब्दुल मुतलब अल किजू अल फुसाकुम
मिन नार अल की दू वेखो ना पैगाम नोट करो आका पाक ने तबलीग दा आगाज कर दिता अपने तो आगाज किया अल की दू अलफुसकुम मिन नार अगे फरमाया वया फातिमा तू अल की दी नफसा का मिन नार ओए मेरे ऐ मेरे जड़ा बनू खाशम वालियो ऐ बनू काब ऐ बनू अब्द शम्स ऐ बनू अब्द मुनाफ सारे सुन लो जखन्नम तो अपने आप नू बचा लो अन की दू अलफुसा कुमनी नार आख बाग ने फरमाया ओए मेरा बेटा फातिमा अपने आप नू जखन्नम दी अग तो बचा ले वेख मेरे आका बाग ने पैगाम दिता है फिर आका बाग ने सब नू पैगाम दिता अपने बेगाने ते आम ते खास सब नू इकट्ठा फरमाया फरमाया लोगो अन की दू अलफुसा गुमी नार जहन्नम तो बचा लो अपने आप नू वीर जी कामयाब हो नहीं जे जेदा बिजनेस अच्छा है कामयाब हो नहीं जे जेदा काम शाम अच्छा है कामयाब ते होए फमन जुखजीगा अनी नारी व उदखिलल जन्नता फकद फाज कामयाब ते होए कद अफलाल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन जेदी नमाज चंगी है ओ कामयाब है जेदी जुबान अच्छी है ओ कामयाब है जेदा जन्नत मकान है ओ कामयाब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान तबलीग कर दिता अगे फरमाया ऐलान तबलीग दा काम कित्थों शुरू करना है अपने आप तो किदे तो हर बंदा मुबल्लिग बने खुदा दी कसम अगर सही माने जसी सिर्फ अपने आप नु तबलीग कर लईए तो सारे मुआशरे च तबलीग हो जाएगी असी तवज्जो नहीं करते असी समझे कि दीन मौलवियां वास्ते मस्जिद वास्ते बस नहीं हर बंदे ते बराबर दीन दा हक है उन्हों समझना भी उन्हों पढ़ना भी ते अगे लोगों तक पहुँचाना भी अल्लाह पाक दा कुरान हज़रत जी तो जो करो नज़रा हज़रत इब्राहीम अली सलाम ने भी तबलीग दा आगाज़ कीता ते घर तो कीता है पहले बाप नू जड़ा है अपने दावत दी है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर तो आगाज़ कीता वेखो ना आका पाक हुण घर तो इन घर तो मैं गल लैके चलांगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी नू तबलीग पे करदे ने तबलीग दा माना ए हुंदा है मन भी समझ लो कोई अल्लाह कमात नू अगे पहुँचाना हो किसी की चीज नू अगे पहुँचाना हो बल्ला का यू बल्ली गो अगे पहुँचाना अगे उदा पैगाम पहुँचा देना हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला दे कोल ना हो तीन मस्जिद अंदर 502 नंबर रवायत आका पाक बैठे ने ते माँ जी आयशा फरमान लगियां जेड़ी सफिया है ना छोटे का दवा लिए इन तंजिया लफज बोलिया ना आली मेरे आका पाक ने तबलीग दा गाद नाली तबलीग कर दी है फरमाया आयशा इटा कोड़ा जुमला बोले आई इतना कोड़ा जुमला बोले आई समंदर ते अंदर पा दिता जाए ना समंदर दा सारा पानी कोड़ा हो जाए हाला एक तन कीता है इत दल्ला मुआफ करे बीबिया बह जाना औरत मिल के कोई मुखले दा शख्स भी महफूज नहीं रहा कोई मुखले बीबी महफूज नहीं रेंदी गीब ता चुगलियां ते घर बंदे नू पुनना ना ना मेरी ये बैना आ वेखना मां जी आयशा दे मुंह चो एक लफ्ज निकलिया ते मुस्तफा ने कितने गुस्से दा इदार कीता है आका पाक ने कितनी नाराजगी दा इदार कीता है किसम दे बारे जबान ना खोलिया कर ना तू किसे दी कबर च पैना ते ना किसे ने तेरी कबर च पैना तू अपनी कबर च पैना तू अपने सवाल
सवालों के जवाब देने ने, हर किसी ने अपने सवालों के जवाब देने ने। हज़रत जी ते दावत दी ना आका पाक ने अपनी प्यारी आयशा नू, यानी मैं हर बीवी का अलग अलग जिक्र कराऊं तो टाइम इजाजत नहीं दे रहा, हुण मैं बयान करा ना। आका पाक ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा, प्यारी फातिमा आका दी लाडली फातिमा, आका दा लखते जिगर फातिमा, आका दी मुहब्बत हासिल करने वाली फातिमा, इंज करके ना आका पाक ने जदों अलविदा कर दिता ते मेरे आका पाक सुबह तहज्जुद दे वक्त उठे ने, आका पाक ने जाके बेटी दा दरवाजा खटखटाया है, फरमाया या अली अली इब्न अबी तालिब किधर उठ जाओ, तहज्जुद दी नमाज अदा करो, सुस्ती होई है ना ते मेरे आका नु आवाज नहीं आई। फिर मेरे आका ने तहज्जुद दो चार नफल अदा किए, फिर गए ने ते जाके दरवाजा खटखटाया, इत्थे कहंदा है बस बेटी दी शादी कर दित्ती है, मैं अपना फर्ज अदा कर दिता है। ना ना वीरा ए फर्ज ते मरम तक नहीं अदा होंदे, आखिरी सांस तक तेरा फर्ज बनता है, तू जाके अपनी बेटी नु समझांदा रिहा कर, ओनू जड़ा है तबलीग करदा रिहा कर। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का रिश्ता भी वेख के अली पाक नाल कीता है, जेड़ा नमाजी भी है, जेड़ा अल्लाह पाक दा शेर भी है, जेड़ा दीन दा ताई भी है, जेड़ा दीन दा मुबल्लग भी है, जेड़ा दीन दा सिपाही भी है, जेड़ा दीन दा खुबदार भी है, आका पाक दा वफादार भी है। रिश्ता करम तो पहले वेख लिया कर, रब दा वफादार है, ठीक है। जेड़ा रब दा वफादार ना होए, मिल के बोलो किसे दा वफादार हो सकदा। रब ने इन्ना कुछ दिता तो रब का वफादार नहीं होया ते तेरा हो जाएगा, तेरी बेटी का हो जाएगा। ते आका पाक ने बेटी नू तबलीग की है। हजरत जी थोड़ा जहा अगे आओ ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नवासा हजरत हसन नाल आखो रसी अल्लाह ताला। ते इंज करके हजरत हसन ने ना सदके की कोई एक खजूर चुक ली ते मुंह च पा ली, आले रसूल नू सदका खाना जायज नहीं होया करदा। ते नबी पाक ने फरमाया ए प्यारे हसन किख किख लिया तर रहा, इनू निकाल दियो ते फेंक दियो, इनू मुंह चो निकाल दियो, बाहर निकाल के फेंकवा दीती है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाइम नहीं वेखिया, ये नहीं वेखिया कि मेरे लाडले ने मुंह च पा लीए, मैं क्यों मुंह चो निकाला। फौरन तबलीग वाली जगह वेखी है ते मेरे आका पाक ने समझाया, लेकिन तू ते मैं नहीं ना कहना, बेटे बेटा मोबाइल चला रहे हो, अचानक ही गाना चल गया, फौरन क्या बेटा नहीं 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 मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करना, घर के अंदर किसी किस्म का कोई गाली निकाले फौरन उन्होंने पकड़ बेटा, गाली नहीं निकाली दी, गालियां नहीं निकाली दिया बेटा, मुसलमान नु गाली निकालना फिसक होया करता है, फिसक अल्लाह पाक नु बड़ा बुरा लगता है। फासक बंदा बगैर तौबा ते मर जाए ते जुल्म दे वजन दरामदा है, जालम गिणिया जांदा है। और मैं जड़ी गल कर रहा खैर मौजू नहीं फिर अर्द करांगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन करके ना आका पाक खाना पे खा रहे ने, आका दा सहाबी अमर बिन अबी असल सलमा भी नाल है, इन करके ना बच्चा है ना छोटा जिहा, इन कदी ओ जगह ते हाथ पे मारदा है, चार चुपेरे बर्तन दे अंदर हाथ गवा रहा है। नबी पाक अली वसल्लम ने हाथ पकड़ लिया, ना बेटा इंज नहीं करीदा, अपने अगों खाईदा है, अपने अगों खाईदा है। वेखो आका पाक ने छोटियां छोटियां गल्लां समझाइया अपने बच्चियां नू, तू नहीं ना समझांदा, तू कदी अपने बच्चियां नू ये नहीं दसिया, बेटा अपने अगों खाईदा है, बेटा दाने हाथ नाल खाईदा है, बेटा ए कम इंज करीदा है, मुस्तफा अली सलाम दा ये तरीका है, आका बाग दे तरीके नाल ही चली दा है। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद, हुण आका ने नौजवानां दी जमात नूं भी तबलीग कीती है,
बंदे कट्ठे होए ना आका पाक दे नौजवान सहाबा आका पाक ने फरमाया माशर शबाब मिनकुमुल बाता फालियत जवाज ओए मेरे सहाबा जवानी उरूज चे जवान हो गए हो शादियां करो शादी नहीं कर सकते ते मेरे सहाबा रोते रखो क्योंकि शादी भी नजरा झुका देंदी है रोजा भी नजरा झुका देंदा है रोजा भी जड़ा इंसान दे दिल नु साफ कर देंदा है इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिता है हर जगह ते तबलीग मेरे आका पाक मैं ते ओ भी बात ही कर करांगा के ना मेरे आका ताइफ दे मैदान अंदर मेरे आका पाक ने अपने एक सहाबी नु नाल लिया इन करके चला ना तबलीग करने वास्ते चलिए ओए मुसलमाना ओए मोमिना हर बंदे ते फर्दे ओ अल्लाह दे दीन दा मुबल्लग बन जाए बस रोजाना अपने आप ते जिम्मेदारी लेना मैं किन्ने बंदियां नु नमाज दी दावत देना मैं किन्ने बंदियां नु गालियां तो रोकना मैं किन्ने बंदियां नु गाने ते मुजरियां तो मना करना वा गूंगा ना बन के जिंदगी गुंदार नमा मना फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह वेख के ते खामोश रहना गुनाह वेख के खामोश रहना रोकोगे लोगों नू गुनाहों तो ताने वजदे ने लोगों ने कहना लै वड्डा मौलवी आया फिरदा ही लै वड्डा हाजी बन गया ही उन्होंने कहा यार मैं हाजी नहीं मैं आका दा मुबल्लिगा मैं हाजी नहीं एक मौलवी जुमा पढ़ांदा उन्हें मैनू दस्या सी कुल तुम खैरा उम्मती लो उखरी जबत लिन्नास तामरूना बिल मारूफी व तनहाऊना अनिल मुनकर उम्मत मुहम्मदिया दा इजाज़े जड़ा मैं कम पिया करना एक मौलवी जुमा पढ़ा उन्हें दसिया सी बल्लीगू अन्नी वलहू आया एक गल का भी पता चले तो लोगों जाके दसना है बस मैं समझना वा गाना खराब है तो मैं तेन रोक दिता गाली खराब है तो मैं तेन रोक दिता बेनमाज बंदा मन तरक सलात मुतामिद फकद काफार जान बुझ के नमाज तरक करने वाला कुफर पिया करता है मैं तेन तबलीग कर दी मेरा काम सी नबी पाक अली वसल्लम ताइफ दे मैदान विच गए ने वेखो नादर जी मैं ते अल्लाह पाक दा कदी शुक्र अदा करना आका पाक दियां मेहनतां अज सानू मिंबर लगे लगाए मिल गए सहाबा दियां कुर्बानियां अज मिंबरों मेहराब ते मस्जिदां सजियां सजाइयां मिल गईयां वेख मेरे आका पाक ने किवें दावत ते दीन ते तबलीग दा काम कीता है के न मेरे आका इन ताइफ दे मैदान अंदर ताइफ दे लोग बड़े शरारती ने मेरे आका पाक एक चौधरी को रुकते ने एक एक बंदे नू कहंदे ने यार मेरी गल ते सुनना कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहो तमनी को ला रबा वल्ला जम ओए अल्लाह वाले आ जा अल्लाह पाके किए अल्लाह खाजत रवा एक किए आ जा मेरी बात मान ले कामयाब हो जाओगे कोई गल सुनने वास्ते तैयार नहीं इन्ना जालिमा ने इन करके मुस्तफा अली सलाम नु मना कीता है जा वापस चला जाए ते तबलीग ना कर मेरे आका पाक अगले चौक अंदर चले गए इन्होंने वेखिया ना मुहम्मद आखो सल्लल्लाहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज नहीं आंदे तबलीग तो ते इन्होंने पता की कीता छोटे छोटे बच्चियां नू कंकर पकड़ा दीते पत्थर पकड़ा दीते जाओ जाके मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो मारो ना यानी कि ना अस्तगफिरुल्लाह माअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह मेरे आका पाक नु मजनू कह के ना बच्चियां ने पत्थर पकड़ा दीते ने ये बच्चे मेरे आका पाक नु पत्थर मार रहे ने ते आका पाक अगो एक ही गल कहंदे ने ओए ताइफ वालियो ला इलाहा इल्लल्लाह आका पाक कोई गल करदे ने अल्लाह
अल्लाहुम्मा दी कौमी अल्लाहुम्मा दी कौमी वा इल्लहुम कौमुल ला यालमून। अल्लाह मेरी उम्मत नु हिदायत दे दे, अल्लाह मेरी कौम वाले नु हिदायत दे दे। अल्लाह ए जाम दे नहीं ना मैं कौन आ, अल्लाह ए जाम दे नहीं ना मैं इमामुल अंबिया आवा, ए जाम दे नहीं ना मैं इमामुलत की आवा। अल्लाह ए जानते नहीं मैं खौदे कौसर दा वाली हां, अल्लाह ए जाम दे नहीं ना मैं खातम नबीयीन आ, अल्लाह ए जाम दे नहीं ना मैं रहमतुल लिल आलमीन आ। अल्लाह ए जानते नहीं ना मैं खुलके अदीम वाला वा, अल्लाह ए जानते नहीं ना मैं रहमत दा मंबा ते पैकर आ। अल्लाह इन्हां नूं खदाएं दे दे, ए पत्थर मार देने ते मेरे आका पता की कहंदे ने, ओए पत्थर मारन वाले आ यारा जे तू मेरे वाले आवे ऐसा तेनू सीने लावा तू सीधा ही जन्नत जावे। ये तबलीग मेरे आका पाक ने की है। मैं सवाल करना चाहना ओए मुसलमान, मेरे आका पाक ने पत्थर खा के भी दीन तेरे तक पहुंचा लिया, तू दुकान ते बह के दीन क्यों नहीं सुनांदा, तू मार्केट च दीन दी दावत क्यों नहीं फैलांदा, तू की कीता अज तक दीन वास्ते, किड़ी कुर्बानी है तेरी दीन वास्ते, किन्ने बंदियां नू नमाज दा हुक्म दिता ई, किन्ने लोगों नू पैगाम दिता ई, या कितने हुण तक तू दरूस करवाए ने, कितने हुण तक जलसे करवाए ने। अस्तगफिरुल्लाह, कई लोगों के मूँह चो ए भी गल सुनना, कॉन्फ्रेंसा की कड़ी लोड़ है, दरसा की कड़ी लोड़ है, हुण तक की सीखिया है कॉन्फ्रेंसा तो लोगों ने, तेनू खत पाउणा है लोग ने जिन्हें कॉन्फ्रेंस तो हदायत लैनी है कि मैं इस कॉन्फ्रेंस तो इतने मेरे जुमे के अंदर ऐसे बीसियो लोग ने जिन्होंने मेरा पैगाम सुन के दाड़ियाँ रख लिया, नमाजी बन गए, कई ने गाने फिल्मा छड़ दिते। हुण मैं लिख के लिस्टा लावा कि मेरी तबलीग का ए असर होया है, हुण लिख के लाइए भी पिछली कॉन्फ्रेंस चो ए रिजल्ट मिले आए। हर चीज देखो हजरत, की पता है इन्हें तीन दिन साड़ी कॉन्फ्रेंस चलती है, किन्ने किन्ने मौलवी आते हैं, की पता है किसी ने नमाज का बयान किया तो किन्ने नमाजी बन गए, किसी ने हया का बयान किया तो किन्ने हया वाले बन गए, किसी ने किरदार का बयान किया किन्ने अखलाक वाले बन गए, किसी ने तौहीद का बयान किया किन्ने मुशरका नूं हिदायत आ गई। क्यों हज़रत जी, असी जानते ये अल्लाह बेहतर जानता है, तो जे एक बंदे नूं भी हिदायत ना ना मिले, एक बंदे ने भी हिदायत हासिल नहीं की, मिलके बोलो साढ़े अजर च कमी आने लगी, और साढ़े अजर च कमी आने लगी, क्योंकि असी हिदायत का ठेका लिया। हिदायत कौन देंदा है? इन्ना गला तहदी मन आबता वला किन अल्लाह यादी मैया शाह, हदायत देने वाला अल्लाह है। हजरत जी बस तेरी तो मेरी जिम्मेदारी, मुझे गए हुक्म अदा ला इलाहा इल्लल्लाह, बस मुबल्लग बन जाओ। आप दरस नहीं ना करवांदा, कॉन्फ्रेंस नहीं करवांदा, जुबान नहीं गलांदा, ते जिहड़े कॉन्फ्रेंस करवांदे ने उन्हां नाल प्यार कर, उन्हां नाल तावन कर, उन्हां नाल मुखब उन्हां दे बाजू बन जा, उन्हां वास्ते पिल्लर बन जा, ताकि उन्हां वास्ते इन्नी आसानी होए, जिहड़ा कॉन्फ्रेंस अगे अगे भज्जा फिरदा होए ना, कम अज कम उहदा बाजू ते बनना, उहनूं शाबाश ते देना, उहदा हौसला अफजाई ते करना, पुछ ते सही यार माली तावन दी जरूरत है वे ते मैं हाजिर हाँ, बस मैं ते दुआ करांगा मालिका सोहणिया सानू सारियां नूं अपने दीन दा मुबल्लग बना दे। अल्लाह सानू अपने दीन दा सही माने दे अंदर मुबल्लग बना दे, वा आ और सही माने अंदर सानू मुस्तफा दा हम नवा उन्हां मुस्तफा दे दीन दा वकील बना दे। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।